हेलो गाइस, मैं रचना। तुहाडा सारिआं दा इस चैनल दे विच बहुत बहुत स्वागत है। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि कल आपां व्यंजन कंप्लीट कर ले सी ते अज आपां अपने स्वर नूं स्टार्ट करांगे। सो लैट्स स्टार्ट द वीडियो। स्वर तीन तरहां दे हुंदे हन, ऊड़ा, ऐड़ा अते ईड़ी। इन्हां नूं आपां डॉट नाल डिनोट करदे हाँ अते डैश नाल डिनोट करदे हाँ। हुण आपां गल करांगे इन्हां दे प्लेसिस दी। तब हरेक अक्षर के लिखण के लिए इन्हां दीआं बेसिकली तीन प्लेसिस हुंदीआं, फस्ट प्लेस, सैकेंड प्लेस अते थर्ड प्लेस। जिवें कि आपां गल करदे हाँ कक्का, तां फस्ट प्लेस होएगी दिस, जिथों कि आपां स्टार्ट कीता सी, सैकेंड प्लेस दिस एंड थर्ड प्लेस दिस। जेकर आपां गल करिए चच्चे दी तां इह है अपनी फस्ट प्लेस, सैकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस। पप्पा फस्ट प्लेस, सैकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तत्ता फस्ट प्लेस, सैकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस। टैंका फस्ट प्लेस, सैकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस। इसे तरह ही बाकी सारे अक्षर, जिथों स्टार्ट होएगा अक्षर वह होएगी फस्ट प्लेस, मिडल वन सैकेंड प्लेस, और जिथे अक्षर एंड हो रहा है वह होएगी उसकी थर्ड प्लेस। गाइज ये तो सी स्वर के स्थान। हुण आपां गल करांगे अक्षरां के स्थान। ये भी तीन तरह के होंदे हन, यानी कि फस्ट प्लेस, सैकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस। इसका की मतलब है कि जेकर अपना अक्षर फस्ट प्लेस से लाई करता है तो वह इस लाइन तो उपर लिखा जाएगा, अते जेकर वो सैकेंड प्लेस से लाई करता है तो वह लाइन के उपर लिखा जाएगा, अते जेकर वो थर्ड प्लेस से लाई करता है तो वह लाइन तो नीचे लिखा जाएगा। ये किस तरह है ये आपां हुण अगे देखते दे हाँ। गाइस अपना पहला अक्षर है आ, यानी कि आड़े नूं कन्ना। इसनूं आपां एक डार्क डॉट नाल डिनोट करते हाँ, यानी कि गूढ़ी बिंदी नाल डिनोट करते हाँ। ये हमेशा फस्ट प्लेस से हुंदा है, मतलब कि जिथे भी आ दी साउंड आती है आप उस अक्षर को लाइन तो उपर ही लिखांगे। गाइस हरेक अक्षर दियाँ दो साइड्स होंगे, लैफ्ट साइड अते राइट साइड। जिमें कि आप कक्का पाया तो इसकी ए लैफ्ट साइड है, ए राइट साइड है। यह चच्चा इसकी ए लैफ्ट साइड है, ए राइट साइड। टैंका लैफ्ट एंड राइट साइड, लैफ्ट साइड राइट साइड। गाइस जेकर अपना स्वर अक्षर तो पहला साउंड करता है तो वह लैफ्ट साइड पर आएगा, और जेकर बाद विच साउंड करता है तो वह राइट साइड पर आएगा। अपना पहला अक्षर है आप, तो आप देखांगे कि आ दी साउंड है तो वह फस्ट प्लेस पर आएगा, यानी कि लाइन तो उपर लिखा जाएगा। तो आप पहला पप्पा पावांगे लाइन तो उपर, आ पहला साउंड कर रहा है तो डॉट आएगी पहला, डार्क डॉट। जे यही आप गल करिए इससे कंपैरिजन पा, तो पप्पा पहला आएगा डार्क डॉट बाद दे विच। जेकर आप गल करिए आम, तो मम्मा आदि साउंड करके फस्ट प्लेस, मम्मा तो आ पहला है तो उपर, यानी कि लैफ्ट साइड। जे आप गल करिए माँ, तो मम्मा एंड डॉट, डार्क डॉट। अगला अक्षर जिमें कि अपना है माल, तो आप इसनों किमें लिखांगे, मम्मा फिर लल्ला इत्थे डॉट। पेंसिल बिना चक्के मम्मा ते लल्ला पाया, आदि साउंड सी, इस करके आप इसनों फस्ट प्लेस ते लिखा। जेकर आप सेकंड गल करिए तारा, तो आप पहला तत्ता पाया फिर आप पाया रारा, आदि साउंड तो अपन पता लग गया सी कि फस्ट प्लेस है, तो आप इसनों लाइन तो उपर लिखा ता रा, यानी कि दोवां ते तत्ते दी भी डार्क डॉट अते रारे दी भी डार्क डॉट, तारा। हुण आप लिखते हाँ आसमान, तो इसनों किवें लिखांगे, आदि साउंड पहला है सस्से तो ता आस, मम्मा नन्ना, आस मान।
ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ ਅਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਥਰਸਡੇ ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਗਾਈਜ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੈਨੋ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।